ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तोम देवी चामुंडे, जय भूताल तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय माता दी। देववाणी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि का गिना जाता है। माँ का स्वरूप बड़ा ही विकराल है, काले बिखरे बाल, गले में लोहमाल, लोहे के आभूषण, तेल से युक्त शरीर वाली ये माँ समस्त बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है। ये अपने भक्तों की इन बुरी शक्तियों से सदैव रक्षा करती हैं। देव दानव युद्ध चल रहा था, उस समय माँ दुर्गा देवताओं का साथ देने के लिए हाजिर थी। उनके सामने बड़े बड़े राक्षस उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे, जिसमें चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज जैसे राक्षस थे। कहते हैं रक्त बीज को जैसे ही माता ने तलवार से घायल किया, उसके रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उस जैसे कई राक्षस उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार जितनी बार माँ ने प्रहार किया, उतनी बार अनेकों अनेक राक्षस पैदा होने प्रारंभ हो गए। माता को अत्यंत क्रोध आया। उनकी क्रोधाग्नि से उसी समय उनके अंदर से कालरात्रि देवी का जन्म हुआ, जिनका स्वरूप काले रंग का और बहुत ही विकराल था। माता ने रक्त बीज राक्षस के रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने दी और उसको अपने मुख में धारण कर लिया। इस प्रकार रक्त बीज का माँ ने वध किया और देवताओं की इन बुरी शक्तियों से रक्षा की। जिस प्रकार देवगणों की इन राक्षसों से, इन बुरी शक्तियों से माँ ने रक्षा की, उस प्रकार वो अपने भक्तों की भी रक्षा करे। आप सब भक्तों को जय माता दी।